कोविड 19 के गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए शासन के निर्देशानुसार सोमवार को माध्यमिक शिक्षा परिषद के सभी विद्यालय खोले गए, जिसके तहत महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में भी कोरोना प्रोटोकॉल के तहत शिक्षा कार्य संपन्न हुआ, जिसके संबंध में महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अनु कुमार सिंह ने बताया कि सभी अध्यापक व छात्रों ने कोविड 19 के गाइडलाइन का पालन किया। क्लासरूम में मास्क लगाकर ही पठन पाठन का कार्य किया गया। प्रधानाचार्य ने बताया कि सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए दो शिफ्ट में पढ़ाई संचालित किया गया। उन्होंने बताया कि पहला शिफ्ट सुबह 8 बजे से शुरू होकर 11:30 बजे समाप्त हुआ और दूसरा शिफ्ट 12 बजे से शुरू होकर 3:30 बजे समाप्त हुआ। उन्होंने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि छात्रों की सुरक्षा के लिए विद्यालय के गेट पर ही थर्मल स्कैनर, पल्स ऑक्सीमीटर और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। जो भी छात्र विद्यालय में प्रवेश करेगा उसका पहले थर्मल स्कैनिंग की जाएगी और पल्स ऑक्सीमीटर से उसके पल्स को नापा जाएगा, इसके बाद ही क्लास में प्रवेश दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अरुण कुमार सिंह ने कहा, डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, प्रधानाचार्य महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर। कोविड 19 के गाइडलाइन के अनुसार पूरी व्यवस्था विद्यालय में दुरुस्त की गई है। फर्स्ट शिफ्ट हमारा 8 बजे से प्रारंभ हुआ और 11:30 बजे तक चला है। सेकेंड शिफ्ट 12 बजे प्रारंभ हुआ है और 3:30 बजे तक चलेगा। आज पहला दिन था, बच्चों की उपस्थिति काफ़ी कम रही है और गेट पे जो हमारे दो गेट से एंट्री दी गई थी, साइकिल वाले बच्चों को एक गेट से, बिना साइकिल वालों को दूसरे गेट से, वहाँ पर थर्मल स्कैनिंग, ऑक्सीमीटर की व्यवस्था और सैनिटाइजर की व्यवस्था थी। फर्स्ट शिफ्ट में भी जो है विद्यालय को सैनिटाइज कराया गया था। प्रयास ये किया गया है कि फर्स्ट शिफ्ट में जो कमरे लगे हों सेकेंड शिफ्ट में नहीं। उसके बावजूद बच्चों की संख्या अधिक होने से हमारे 10 कमरे कॉमन हैं, तो उन 10 कमरों को जो है बीच में भी सैनिटाइज कराया गया है। सर, सहमति पत्र के लिए भी कहा जा रहा है इसके? हाँ, बच्चों को निर्देश दिया गया था, जो बच्चे सहमति पत्र के साथ आए थे उन्हीं को अलाउ किया गया। प्रथम दिन होने के चलते कुछ बच्चे बिना सहमति पत्र के आ गए थे तो उनको बैठने दिया गया, लेकिन उनको निर्देश दिया गया है कि जब तक सहमति पत्र ना होगा अगले दिन से आप कॉलेज नहीं आएंगे। आज तो सर अनुपस्थिति की संख्या लगभग, आज उपस्थिति बहुत ही कम रही है, प्रत्येक कमरे में जो है 5-6, किसी में 10 यही रही है। पहले दिन के चलते जो है रहा, उम्मीद है कि आगे जो है ये उपस्थिति बच्चों की बढ़ेगी। सर, जो गार्जियन अभी सहमति पत्र है उसके लिए कोई अपील आप करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल बच्चों को भेजना चाहिए, सब दिनचर्या जो है सामान्य हो रही है धीरे धीरे, और हम अन्य दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में बच्चों को बाहर निकाल ही रहे हैं, तो कोविड के लिए जो निर्देश हैं उसका पालन करते हुए बच्चों को भेजना चाहिए और वही बच्चों के हित में है। भविष्य के लिए जो है ज़रूरी है कि कक्षाएँ प्रॉपर चलें। ऑनलाइन कक्षाएँ भी संचालित हो रही हैं, लेकिन जब तक बच्चे फेस टू फेस हमारे अध्यापक से नहीं मिलेंगे तो उनकी बहुत सी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। तो ऑफलाइन में उनको जो जिज्ञासाएँ हैं अभिभावक से मिलकर के, अभिभावक जो है हमारे शिक्षक से मिलकर के, छात्र शिक्षक से मिलकर के उन जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं और पठन पाठन को और बेहतर बनाया जा सकता है।